अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये ओवरलॉक के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मशीन कुछ ज़्यादा जाम चल रही है, तो ये देखिए ये कुछ ज़्यादा जाम चल रही है, तो हम इसको खोल के देखेंगे। यहाँ पे अगर धागा हुआ फंसी होगी या कोई पार्ट घिस जाती है और इसका लोहा कट करके अंदर जमी रहती है, इसके वजह से जाम रहती है। हम सबसे पहले इसको खोलेंगे। चाहे तो हम इसको भी खोल के निकाल लेंगे। देखिए ये इसको फंसा के दोनों को रखती है। इसमें दोनों को फंसा के रखती है, तो इसको ये चक्की चलती है। अब ये चलेगी नहीं, तो अभी भी ये जाम है। ये जो साइड वाला है ये इधर का लूपर, ये बिना सपोर्ट हो गई है, ये इसके सहारे से चलती है ये साइड का सुई। साइड का दोनों तरफ का सुई देखिए, अगर ये खोल दिए तो अभी इसको खोल के देखेंगे। एक बोल्ट यहाँ पे है, ये बिल्कुल टाइट है। इसको हल्लू हल्लू मारेंगे बाहर। ये देखिए बाहर निकल गए। काफ़ी धागा फंसी हुई है, देखिए इसकी वजह से जाम चल रही थी। तो क्या है, अचानक चलते चलते नीचे का धागा टूट जाती है ना, और मशीन चलते रहती है तो इसमें फंस जाती है धागा। तो धीरे धीरे पूरा ये मेन इंजन का ये हुआ चक्के। ये देखिए इतना धागा निकली, एक टुकड़ा भी रहे तो मशीन को जाम कर देती है। चाहे तो हम इसको भी खोल के निकाल सकते हैं। ये देखिए ये निकल गए। अब इसको भी खोल के हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें भी धागा अगर फंसी रहेगी तो मशीन जाम चलेगी।
काफ़ी जाम है, निकल नहीं पाएगी। हम यहीं से हम इसका जो भी कचरा है हम यहीं से निकाल लेंगे। ये यहाँ से ये बोल्ट टाइट है और काफ़ी ज़्यादा टाइट है। ये हमारा स्क्रू ड्राइवर है, टेढ़ा हो गई है और ये खुल नहीं पाई है, नहीं तो इसको पूरा बाहर निकाल के दिखाते। फिलहाल में हम इसको जैसा था उस तरह फिटिंग कर देंगे। आप देखेंगे मेरा मशीन हल्का हुआ कि नहीं, जो भारी चल रही थी, जाम चल रही थी। देखिए इसमें भी धागा फंस गया, अगर इसमें भी धागा रहेगी ना तो सिलाई है ना कचरा देगी, साफ नहीं आएगी सिलाई। ये देखिए इतना सामान मैंने पूरा खोल दिया हूँ। अब इसको हम पहले ब्रश मार लेंगे। इसको हम यहाँ या हम आगे से भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम तेल डाल देंगे ताकि ये हमारा फिर ही अच्छा रहे। अब ये बोल्ट टाइट कर देंगे, इसको अच्छा से टाइट कर देंगे, नहीं तो बाद में खुल जाएगी। अब इसको हम अच्छा से ब्रश से साफ कर लेंगे। पहले हम इस तरह हम इसको डाल लेंगे। अब अंदर देख लेंगे, बोल्ट तो नहीं ना ज़्यादा निकला हुआ है, तब इसको हम टाइट करेंगे। अभी इसको हल्का हल्का ढीला करेंगे। ये बोल्ट वाला है, ये पॉइंट वाला है, हम इसको पॉइंट वाला इसको ऐसे हम फंसाएंगे। अब इस तरह हम इसको ऐसे फंसा लेंगे ऐसे। ऊपर में इस तरह फंसा लेंगे। हम इसको पहले फंसा लेंगे ताकि पहले हमें नीचे वाला टाइट करना पड़ेगा, तो पहले इसमें हम बोल्ट फंसा लेंगे। ध्यान रहे, ये आप ये गौर कीजिए, सुई इतना पे रहेगी, यानी ये सुई हम इसको यहाँ तक, ये दोनों पॉइंट है ना एक जगह करने के बाद है ना, ये देखिए
ये सिर्फ ये पॉइंट रहेगा, जो अंदर में खांच है ना, वो खांच ये पॉइंट से जाएगी, इसमें लगेगी। ये देख लीजिए, ये पॉइंट और सुई इतना पे रहेगी तो खांच में बैठेगी। अभी इसको हम टाइट कर लेते हैं। पहले ये बोल्ट को टाइट कर लेते हैं। बारिश भी हो गई है, बारिश हो रही है, आवाज़ साफ से नहीं जाएगी। देखते चला के ये मशीन का आवाज़ भी चेंज हो गई है। अब क्या करेंगे, इसमें अच्छा से तेल डाल देंगे, क्योंकि हम जो इसको खोले हैं तो इसका जो तेल था वो बिल्कुल ख़त्म सूख गई। तो अब इसमें हम अच्छा से तेल डाल देंगे ताकि ये ज़्यादा परेशानी ना करे। ये गोल के अंदर तेल ज़्यादा डालिएगा। अब इसको चला के देखेंगे। अब देखिए आवाज़ भी कम हो गई है। इसमें धागा फंसने से ही जाम हो जाती है। अब ये तो सही फिटिंग हो गई है हमारा। बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो भी सब्सक्राइब करें, कोई भी सवाल है कमेंट करके बताएं।